दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर टूल बना सकते हैं चैट जीपीटी की मदद से। एंड इस टाइप के सैकड़ों टूल बना के आप एसईओ क्लर्क नाम की इस वेबसाइट के ऊपर इन टूल की स्क्रिप्ट को सेल करके महीने के हजारों लाखों रुपए भी अर्न कर सकते हैं। एक आपको बस एक बार अपना टूल बनाना है, उसकी स्क्रिप्ट को कॉपी करके यहाँ पे डाल देना है। एंड इस वेबसाइट पे जब तक वो स्क्रिप्ट बिकती रहेगी तब तक आपको उसका रेवेन्यू मिलता रहेगा। अब देखिए, ऐसे सैकड़ों टूल आप बना सकते हो घर बैठे बैठे चैट जीपीटी की मदद से। जैसे अभी जस्ट मैंने ये डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर टूल बनाया, इसी तरीके से आपको यहाँ पे सैकड़ों टूल इस वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने आप सभी के लिए अवेलेबल करवाए। एंड यहां से इजीली आप इन्हें कॉपी करके आगे जो है पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हो। सो चलिए शुरुआत करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपनी एक खुद की वेबसाइट बनानी है बिना डोमेन एंड होस्टिंग परचेज किए, यानी कि एक रुपए भी आपको खर्च नहीं करना है। उसके बाद चैट जीपीटी आपको टूल बना के दे देगा, अन्यथा आप जो है इस वेबसाइट से भी ले सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी चीजें, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। सो अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप हमारे वीडियोज पहले से वॉच करते हो तो वीडियोज को लाइक करिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, हमारी थोड़ी रीच इनक्रीज हो। सो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर टूल सिंपली आपको ओपन कर लेना है। अगर नहीं मिले तो फ्री टूल स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करना है, अलग से एक पेज खुल जाएगा फ्री टूल स्क्रिप्ट का, जहां पे ऑफ कोर्स ये टूल आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट चीज ये कि आपको जो भी टूल चाहिए उस टूल के ब्लॉग को आपको ओपन कर देना है। आपको पता चलेगा उस टूल के बारे में कुछ बेसिक जानकारी कि वो क्या होता है, कैसे उसको यूज करना है, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए होंगे, ओवरऑल एक ब्लॉग होगा वहां पे। एंड नीचे आपको उस टूल की पूरी स्क्रिप्ट मिल जाएगी टेक्स्ट फॉर्मेट में, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, जो आपकी मर्जी कर सकते हो, राइट। तो ये स्क्रिप्ट है हमारे सामने, इसको आप इजीली यहां से कॉपी करके ले जा सकते हो। सेकेंड चीज ये कि अगर आप चाहते हो कि चैट जीपीटी से आप इस टूल के लिए स्क्रिप्ट तैयार करवाओ नहीं, तो देखिए मैंने वो भी करवाई हुई है। राइट ए कंप्लीट रेस्पॉन्सिव कोड ऑफ डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर टूल इन HTML विद जावास्क्रिप्ट। सो ये लाइन मैंने लिख के दी थी चैट जीपीटी को। अभी अगर मैं दोबारा ये कमांड दू चैट जीपीटी को, तो चलिए देखते हैं। चैट जीपीटी ने हमारे सामने ही रेस्पॉन्स करना स्टार्ट कर दिया, और आप देख सकते हैं कि आपकी आंखों के सामने एक ऐसी स्क्रिप्ट तैयार हो रही है, जिसके लिए अगर आप कोई डेवलपर हायर करते तो ऑलमोस्ट वो हजारों में चार्ज करता आपसे, और चैट जीपीटी ने ये स्क्रिप्ट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी सामने सामने जो है जस्ट 2 सेकंड में बना के दे दी। तो दोस्तों देखिए, स्क्रिप्ट तो हमारी तैयार हो गई, अब इससे पैसे कैसे बनेंगे? तो आपको आना है एसईओ क्लर्क नाम की इस वेबसाइट पे, यहाँ पे इस लिंक को ओपन करना है आपको। यहाँ पे देखिए कई डिजिटल प्रोडक्ट यहाँ पे सेल होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको जो है कई टाइप के डिजिटल प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आप देखिए सॉफ्टवेयर यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, और सॉफ्टवेयर के अंदर अगर मैं यहाँ पे अदर सिलेक्ट करता हूँ तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कई लोग ऐसे जो टूल की स्क्रिप्ट को सेल कर रहे हैं, लाइक सिंपल वेट कैलकुलेटर एंड कैलकुलेटर स्क्रिप्ट, इसके अलावा डाइस गेम स्क्रिप्ट। सो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीजें जो कि डिजिटल प्रोडक्ट आप कह सकते हो, ईएमआई कैलकुलेटर हो गया, ये सभी चीजें यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट की तरह लिस्ट की गई है। तो इसको भी आप जो है ट्यूटोरियल देख के कर सकते हो, और जैसे ही आपकी टूल की स्क्रिप्ट बिकेगी आपको वो अमाउंट मिल जाएगा जो कि आपको प्रॉमिस किया गया था, राइट। इस टाइप से जो है चीजें यहाँ पे वर्कआउट होती है। अभी एक और सेकंड मेथड है जिससे आप कमा सकते हो, वो है अपनी खुद की वेबसाइट बना के उसके ऊपर गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेके। सो अपनी खुद की वेबसाइट बनाने के लिए आपको खरीदना होता है डोमेन एंड होस्टिंग, लेकिन आप जुड़े हो टैलेंट वाइज से। यहां पे मैं आपको बताऊंगा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट
कि आप कैसे अपनी एक वेबसाइट बना पाओगे जो कि दुनिया भर में मान्य होगी। सो देखिए, blogger.com ब्लॉगर का ही ये एक प्लेटफॉर्म है। जब आप यहाँ पे गूगल एप्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो है ब्लॉगर भी देखने को मिल जाएगा। ये एक गूगल का वेरीफाइड प्लेटफॉर्म है, इनका खुद का ही है। सो ओपन करते हैं इसको। ओपन करेंगे, क्रिएट योर ब्लॉग एंड साइन इन, दो ऑप्शन होंगे, दोनों में से किसी में भी क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी सारी जीमेल आईडी आ जाएगी। और जब आप जीमेल अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको अपने ब्लॉग के लिए एक नेम सेलेक्ट करना होगा। सो मैं अपने ब्लॉग के लिए एक नेम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब मुझे अपने ब्लॉग के लिए एक यूआरएल बना लेना है। सो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसमें से स्पेसेज मैं हटा देता हूँ क्योंकि यूआरएल में कोई भी स्पेसेज नहीं होने चाहिए, तभी वो वैलिड होता है। सो सेव कर देंगे एंड हमारा ब्लॉग जो है बन के रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ सेटिंग और करनी है जो मैं आपको बता देता हूँ। सो देखिए, ब्लॉग क्रिएट हो चुका है, पेजेज पे आना है आपको एंड 5 पेजेज कंपलसरी आपको बना लेने हैं। टर्म एंड कंडीशन, अबाउट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टेक्ट अस। नेक्स्ट आपको आना है थीम के ऊपर एंड कोई भी डिसेंट थीम यहाँ से आपको लगा लेनी है एंड अप्लाई कर देना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करने पर आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन आपको अपनी वेबसाइट का डाल देना है 500 वर्ड तक एंड उसके बाद कर देना है सेव। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको कमेंट मॉडरेशन का ऑप्शन मिलेगा, जिसको नेवर से ऑलवेज पे लाके सेव कर देना है। सो दोस्तों, नीचे स्क्रॉल करने पर आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे देखिएगा, मेटा टैग का, इसको आपको इनेबल कर देना है एंड सर्च डिस्क्रिप्शन में अपने मेटा टैग आपको जरूर डाल देने हैं। और स्क्रॉल करने पर आपको क्रॉलर एंड इंडेक्सिंग का ऑप्शन मिलेगा, जहां पे कस्टम रोबोट टेक्स्ट को इनेबल कर देना है, कस्टम रोबोट हेडर टैग को भी आपको इनेबल कर देना है। अब आपकी वेबसाइट रेडी है, यहां पे आप कंटेंट डाल सकते हो और अब आप अर्निंग करने के लिए भी बेसिकली रेडी हो। अगर आप कंटेंट अच्छा डालते हो एंड आपके कंटेंट के ऊपर अगर पब्लिक आती है तो एडसेंस आपको इजीली अप्रूवल दे देगा। लेकिन जो जो चीजें जरूरी रहती है एडसेंस में अप्लाई करने से पहले, वो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे देखिए, गूगल सर्च कंसोल में भी आपको अपनी वेबसाइट को एंटर कर देना है एंड अब आते हैं पोस्ट पे एंड न्यू पोस्ट पे अपन क्लिक करते हैं। सो यहाँ पे हमें अपना टाइटल डालना है, टाइटल यहाँ से मैं डाल देता हूँ क्विकली। सो हमने यहाँ पे टाइटल डाल दिया। लेबल में मैं एक टूल्स लेबल बना देता हूँ। परमालिंक के अंदर कस्टम परमालिंक में आके मैं यहाँ पे अपना टाइटल पेस्ट कर दूंगा एंड देखिए सर्च डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे मैं जो है बेसिकली मेटा टैग डाल दूंगा, राइट, या आपको भी मेटा टैग डाल देने हैं। एंड अब यहाँ पे देखिए, ये जो टाइटल के नीचे ये ऑप्शन है, यहाँ पे आपको HTML व्यू ही सेलेक्ट रहने देना है। अब आप चैट जीपीटी से ली गई कोडिंग भी ले जा सकते हो, वेबसाइट से भी ले जा सकते हो, टोटली आप पे डिपेंड करता है। सो मैंने यहाँ पे कोडिंग को कॉपी करके पेस्ट कर दिया है चैट जीपीटी से एंड अब इसको यूज करके देखते हैं कि किस हद तक ये वर्क करती है। सो देखिए, जैसे ही मैंने व्यू पे क्लिक किया, ये टूल हमारे सामने ओपन हो गया। अब यहाँ पे हमें डेसिमल वैल्यू एंटर करनी है। सो हम यहाँ पे कोई भी डेसिमल वैल्यू एंटर करते हैं एंड कन्वर्ट पे क्लिक करते हैं तो देखिए उसका बाइनरी फॉर्मेशन हमारे सामने आ जाएगा। देखिए यहाँ पे वन क्लिक में ये टूल आपके लिए सारी परेशानी खत्म कर देगा, राइट। यहाँ पे आप कोई भी रैंडम नंबर डाल के टेस्ट कर सकते हो इस टूल को, ये 100% वर्क करता है। देख सकते हैं, जितना बड़ा नंबर आप डेसिमल में डालोगे उतना ही बड़ा रेस्पॉन्स ये बाइनरी के अंदर देगा। आप देख पा रहे हैं 100% वर्केबल स्क्रिप्ट है और ये तो सिर्फ एक स्क्रिप्ट मैंने आपको बताई है। ये जो बाकी की स्क्रिप्ट है, जैसे कि यहाँ पे 2 स्क्रिप्ट इसने पहले बना के दी, उसके अलावा वेबसाइट पे पड़ी हुई स्क्रिप्ट, अब जो स्क्रिप्ट लेना चाहो ले सकते हो या अपनी खुद की भी बनवा सकते हो।
चैट जीपीटी आपके लिए ये काम बहुत ही इजीली कर देगा। सो दोस्तों, अब इससे अगर आपको पैसा कमाना है तो देखिए, अलग अलग फेसबुक ग्रुप में इस पर्टिकुलर ब्लॉग की लिंक को शेयर करिए। एक बार जब आप ऐसा करेंगे या दो तीन बार जब आप इस प्रैक्टिस को दोहराएंगे तो क्या होगा कि फेसबुक से आपके ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक आने लग जाएगा। धीरे धीरे वो ट्रैफिक इतना बड़ा हो जाएगा कि फिर जो है आपको कभी भी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इनिशियल स्टेज में आपको अलग अलग फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन होना होगा एंड वहां पे इस लिंक को पेस्ट करना होगा। यही एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है जिससे आप यहाँ पे ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो। एक बार ट्रैफिक आ जाएगा तो फिर आपको एडसेंस अप्रूवल मिलने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास ट्रैफिक नहीं है तो फिर जो है एडवर्टाइज का कोई काम ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल आपको फोकस करना है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक को ड्राइव किया जाए अपने ब्लॉगर के ब्लॉग के ऊपर। जितना ज्यादा ट्रैफिक उतना ज्यादा पैसा, आप ये मान के चलिए। सो आई होप कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा। इस टाइप से सैकड़ों टूल मैंने भी यहाँ पे डलवा दिए। आप खुद भी चैट जीपीटी से क्रिएट करवा सकते हो। इन टूल को आप एसईओ स्क्रिप्ट, एसईओ कलर नाम की वेबसाइट पे सेल कर सकते हो। ब्लॉगर पे ब्लॉग बना के आप कुछ क्रिएटिविटी अपनी दिखा सकते हो, राइट? इस टाइप से काम करिए, पैसा बिल्कुल आएगा। ऑनलाइन अर्निंग इतनी ज्यादा भी मुश्किल नहीं है जितनी यूट्यूबर्स ने बना के रखी हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।